फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आप सभी को हमारे तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, यह है हमारा मंदिर। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे पूजा किया गया है और यहाँ पे दीपक जल रहा है। और यह है हमारे भोलेनाथ जी का स्थान। तो यहाँ पे हमारे भोलेनाथ जी अभी हैं नहीं, अभी किसी के यहाँ गए हैं रुद्राभिषेक कराने के लिए, वो लोग लेके गए हैं। तो फ्रेंड देखिए, अभी वो शाम तक आएंगे। तो फ्रेंड शाम तक आ जाएंगे हमारे भगवान जी। तो फ्रेंड ये है हमारा मंदिर। और आइए आप सभी को मिलवाते हैं, ये है हमारे गणेश भगवान जी जिनको धूप चढ़ाया गया है। ये है हमारी लक्ष्मी माँ। और फ्रेंड ये है हमारी विंध्यवासिनी माता। और ये है हमारी नैना देवी माता, जय माता जी। और ये हैं चांदी का गणेश भगवान जी और लक्ष्मी माँ। और ये हैं हमारे बृहस्पति भगवान, विष्णु भगवान जी। और फ्रेंड ये हैं हमारी अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, जगत जगनी, जगत के पालनहार, दुख हरने वाली माता, वैष्णो माँ। जय हे अम्बे माँ, कोटि कोटि प्रणाम। तो फ्रेंड देखिए, ये भी हमारे माता जी हैं, इनके सारे अलग अलग स्वरूप हैं। तो जय माता जी। और फ्रेंड ये हैं हमारे हनुमान जी महाराज जी, संकट मोचन, सबके कष्ट हरने वाले। जय हे हनुमान जी महाराज की जय, कोटि कोटि प्रणाम। तो फ्रेंड देखिए, ये है हमारे गणेश भगवान जी। तो इनका मंदिर के ऊपर रखा गया है इनका फोटो। तो जय हे भगवान जी, कोटि कोटि प्रणाम। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे दीपक जलाया गया है, भोग लगाया गया है। तो फ्रेंड आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये हमारा मंदिर आप सभी को कैसा लगा। और आप लोग हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम आपको थैंक्स बोल सकें। तो फ्रेंड ये है हमारा मंदिर भगवान जी का। तो फ्रेंड अभी हमारे महादेव जी यहाँ पे रहते तो आप सभी को हम दर्शन कराते। तो ऐसे ही हर हर महादेव, जय महादेव, जय हे भोलेनाथ जी। तो यहाँ पे देखिए, बेलपत्तर और भांग सब कुछ चढ़ाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे इनका भोग लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, इनके लिए जल रखा गया है, ये दीपक जलाया गया है, ये भोग लगाया गया है। तो हर हर महादेव। तो फ्रेंड ये है हमारा छोटा सा मंदिर। तो फ्रेंड आइए हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो यह है हमारा खिड़की। तो फ्रेंड देखिए, मौसम कुछ अजीब लग रहा है, शाम का समय हो चुका है। तो फ्रेंड देखिए कितना ये हरा भरा सब दिख रहा है। उधर कुछ जल रहा है, इसीलिए धुआं जैसा निकल रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड आइए हम आपको छत पे लेके चल रहे हैं, छत से दिखाएंगे। तो फ्रेंड आइए छत पे चल रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब शाम का समय हो रहा है और ये हमारे छत का चारों तरफ का नज़ारा है। तो फ्रेंड वो हमारी बिटिया रानी है, दिया उठा रही। प्रियांश, प्रियांश इधर देखो। तो फ्रेंड देखिए, ये आगे का नज़ारा है सब। तो फ्रेंड आइए हम चलते हैं नीचे। ए चलो नीचे चलो, शाम हो गया, मंदिर पे जाना है ना, आओ। तो फ्रेंड अभी हम चल रहे हैं नीचे, जाना है मंदिर पे, बुढ़िया माई हैं वहीं पे दर्शन करने, भोलेनाथ जी। तो वहाँ का ब्लॉग हम बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। दादी को ले जाके दे दो, चलो नीचे। तो फ्रेंड आइए हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए, सूरज भगवान भी डूब चुके हैं। तो आइए हम नीचे चल रहे हैं। तो फ्रेंड आज का हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए
बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।